समाजवादी पार्टी कुनवे के रहनुमा मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से समाजवादी परिवार शोक में डूबा हुआ है, जिसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। अब इस बात को खुद शिवपाल यादव ने भी हवा दे दी है। जिम्मेदारी का इंतजार है, इंतजार है। तो ये प्लीज वेट कब तक चलेगा? बहुत टाइम हो गया इसको तो देखिए, अभी नेताजी के जाने के बाद हम सब लोग शोक में हैं। दरअसल शिवपाल यादव संभल के कल्की महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दे दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है, तो वहीं उन्होंने आजम खान को एक बड़ा लीडर बताया। बयान देकर शिवपाल यादव भले ही चुप हो गए हों, लेकिन अब सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर शिवपाल को समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो समाजवादी पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि शिवपाल यादव की पार्टी में वही नेता जुड़े हैं जो खुद को सपा में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। अगर अखिलेश शिवपाल एक साथ आते हैं तो इसका असर आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।